फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबान में बोल कभी। फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबान में बोल कभी। अल्फाज परखता रहता है आवाज हमारी तौल कभी। शहनज़ीर मालेगांव की अवलीन खातून मेयर जो रही है मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा, मैं इस वक्त गुजारिश करता हूँ एक शख्स जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करे और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार करें। मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहब, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस इस्तकबालिया जलसे आम के सदर साहब, हमारे पार्टी के माजी आमदार शेख रशीद साहब, हमारे आए हुए मेहमानान अजीत दादा पवार साहब और सभी आए हुए तमाम मेहमानों, इस्तकबालिया कमेटी के सभी मेंबरान, सभी अलादीन यार मैं क्या करूं यार, इन लोगों को बहुत राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष आसिफ शेख, अबे लाइव चालू है। आज इस जलसे में आए हुए तमाम बुजुर्गो भाइयों और शेख रशीद साहब के चाहने वालों, वो पिन निकाल, आज का जलसा भैया शेख रशीद साहब के 40 साल खिदमत के इकरार करते हुए आज का ये जलसा रखा गया है। ये आज का जलसा कोई मामूली जलसा नहीं है। आपके जो मोहब्बत, जो शफकत आज लगातार 10 रोज से पूरे मालेगांव शहर में जश्न का माहौल है। आप लोगों ने शेख रशीद साहब को कितनी चाहत दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया, उसमें आप लोगों का पूरा पूरा हिस्सा है। शेख रशीद साहब ने अगर आप लोगों को 40 साल दिए तो ये आप लोगों की बदौलत आज इस मकाम तक पहुंचे। जब जब भी मालेगांव शहर में डेवलपमेंट हुआ है, मालेगांव शहर में कामकाज हुए, चाहे गंगा डैम पानी की स्कीम हो, हमारी घर कुल योजना जो गरीबों मिस्कीनों के लिए जो घर कुल योजना जो लाकर यहाँ पर बनाई गई, वो भी शेख रशीद साहब के गौर इक्तदार की देन है। आज आप लोग खुद ही सोचिए, क्या इससे पहले के जितने भी लीडरान थे उन्होंने मालेगांव शहर में कुछ नहीं किया। मालेगांव शहर में जब जब मालेगांव शहर की आवाम ने शेख रशीद साहब को अवलियत दी, अक्सरियत दी, उनके शाना बशाना रहे, मालेगांव शहर तरक्की और कामरानी और कामयाबी की तरफ दौड़ पड़ा है। आज अगर मालेगांव शहर में हाजी ट्रेनिंग सेंटर है तो ये आसिफ शेख और शेख रशीद साहब की मनसूबाबंदी से है। आज अगर जिला में पानी की स्कीम है, घर कुल इमारत है, कोर्ट की इमारत है, सोमवार मार्केट है, आज ऐसे कई अनगिनत तलवारा डैम है जो कि आज हमारे शहर में मौजूद है, जिससे शहरियान फैजियाब हो रहा है। ये सब शेख रशीद साहब की देन है, शेख रशीद साहब का लिखा वादे की देन है। लेकिन ये तब हो सका जब आप लोग उनके शाना बशाना रहे। आप लोग चाहे शेख रशीद साहब किसी भी पक्ष में रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और मुझे लगता है कभी नहीं छोड़ने वाले हो। हमेशा आप लोग शेख रशीद साहब के शाना बशाना रहने वाले लोग, आप लोग मशीनी लोग हैं, आप लोगों को पार्टियों से भी कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से आने वाले इलेक्शन अभी आने करीब है और आने वाले इलेक्शन में हम लोगों को किस तरीके से मालेगांव शहर को कामयाबी और कामरानी की ओर लेकर जाना है, यह आप लोगों पर डिपेंड है। क्योंकि मजहब
बड़े जोर और शोरों से जारी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी हिम्मत जुटाकर शेख रशीद साहब को इस मकाम तक पहुंचाया और शेख रशीद साहब के साथ मिलकर मालेगांव शहर में ये अमन और सुकून को लाने में आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सहयोग से ये तमाम चीजें यहाँ पर आई है। इसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आगे भी आने वाले इलेक्शन में चाहे वो राष्ट्रवादी का सिंबल देखना सिर्फ घड़ी, जिस वार्ड में भी जहां भी किसी की भी हमारी अपनी वोट आती है, हमको वहां जाकर बस हमको राष्ट्रवादी की घड़ी पर मोहर लगाना है। हर वक्त हमें बहुमत वहां पर कॉर्पोरेशन में जब मेयर बिठाने के टाइम हमारे पास बहुमत कम पड़ने के कारण हमें किसी दूसरे पक्ष का सपोर्ट लेना पड़ता है, वो अब नहीं होना चाहिए। ये आपको आज इस जलसे से अहम करना है, शुद्ध सरकार बनाना है, बनाएगा कि नहीं, हाथ उठो बोलो। आज हमारे बीच जो अजीत दादा पवार साहब, दिलवार साहब और सभी राष्ट्रवादी के हमारे शेर बैठे हैं, आप लोगों को उनके सामने ये अहम करके उठना है कि आप इसके बाद आएंगे तो इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन पर आपको राष्ट्रवादी का मेयर नजर आएगा और पूरे बहुमत के साथ हम वहां पर पहुंचेंगे। पूरा मालेगांव शहर एक ही लहर में आपको दिखाई देगा और वो होगी हमारी राष्ट्रवादी पार्टी, जो मजबूती के साथ गरीबों के साथ खड़ी है, बेवाओं के साथ खड़ी है, यतीमों के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है। आज राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा जो है वो हर पक्ष, हर समाज, हर धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है। आज हमारे नेता शरद पवार साहब, वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हमारे अजीत दादा पवार साहब कर रहे हैं और हमारे तमाम राष्ट्रवादी के दिग्गज लीडरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर मालेगांव शहर में आकर शेख रशीद साहब के इस जश्न इस्तकबाल में जो उन्होंने आकर यहाँ पर अपनी हिम्मत और आप लोगों का हिम्मत हौसला बख्शने का जो हौसला जो दिया है उसके ऊपर से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे इस जलसे के अध्यक्ष उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, डॉक्टर फैजी साहब का, और आप तमाम इस जलसा गाँव में आए हुए और 10 रोज से जितने लोग इस जश्न में मजरूम थे उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और खास मैं इस कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह। हमारे शहर के पहले एमएस डॉक्टर शहीद भाई, हमारे महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के और हमारे जयंत पवार, हमारे अपने नेते महाराष्ट्र शिवसेना के अपोजिशन लीडर अजीत दादा पवार साहब, महाराष्ट्र असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर हमारे दिलवार साहब, वही हमारे साथ में बंसल काका असम पंजाब के हमदार, मेरे अपने अच्छे दोस्त, ऐसे नंदुरबार के अध्यक्ष अभिजीत भाई, ऐसे
उमेश पाटिल जी मंच में बैठे हुए हमारे राजू भोसले जी जिन्होंने 3,51,000 की तलवार खरीदी, ऐसे हमारे साथ ही साथ बाजू में रहते हैं जो साल के बैठे हैं, मेरी अहिल्या माजी महापौर उनका नाम ले रहे तो रह जाओ तो बहुत गड़बड़ रही है। ऐसे माजी महापौर तायरा शेख, मेरे बड़े बेटे और माजी आमदार और शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष आसिफ शेख, हमारे प्रशांत बापू, प्रशांत बापू कांग्रेस हो गया क्या मैं कांग्रेस कर्म कर रहे चले गए। तो बहरहाल मंच में बैठे हुए सभी राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदार, सामने बैठे हुए मेरे सभी कार्पोरेटर हजरात, इतनी बड़ी तादाद आप लोग जो पिछले 8 दिन से 10 दिन से जो मेरे जश्न की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, ऐसे तमाम नौजवान साथी बुजुर्ग हजरात और आजू बाजू बिल्डिंगों में घरों में बैठी हुई मेरी माँ और बहने, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त तो नहीं लूंगा, मेरी सियासी समाजी खिदमत के 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं, ये खिदमत अल्लाह की मर्जी से ही पूरी हो सकी। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। इस मौके पर इस्तकबालिया कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पढ़ के भाषण तो करता नहीं लेकिन अभी थोड़ा कुछ बातें बोल रहा हूं, मैं कभी पिछड़ा हुआ भाषण नहीं करता। बहरहाल प्रोग्राम करने वाले मेरे सभी हर अफराद का शुक्रिया अदा करता हूं। और सही भी बात है, अगर किसी का बोलने से रह जाएगा तो वो भी जरा मेरे सब चाहने वाले नाराज हो गए। साथ साथ में सभी मेहनत मजदूरों तक मजदूरी के दिन गुजारने और मेहनत करते लेकिन समाज के कामों में दिलचस्पी होने से हम ने शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी का इंतखाब किया, वहीं हमने आज इस मौके पर मैं इस लोगों को भी याद करना चाहता जो कुछ लोग दुनिया में है वो दुनिया में चले गए, ऐसे वो तमाम साथी और मेरे को तो बहुत आगे कोशिश करने वाले लाने वाले मेरे अपने इस वार्ड के दादा, हम जहां बैठे पहली टाइम मैं यहीं से इसी वार्ड से नगर शहर पड़ा, आज तक यहां पर हमारी सीट कभी हारी नहीं, आप आजू बाजू में भी हारे, अल्लाह का करम है। बहरहाल ये वार्ड के लोगों ने मुझे बहुत सराहा, इसी तरीके से पूरे शहर के माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, मेरे अपने साथियों ने मुझे बहुत चाहा, ये चाहती है वरना इतने शायद ये जगह कम पड़ रही है, पूरे उस कंपाउंड में भी लोग हैं, बाजू के कंपाउंड में भी है, इधर बाजू में भी है और आगा रोड तक ये पब्लिक है क्योंकि बाकी जगह स्त्री लगी हुई है। तो बहरहाल ये जो तमाम आप लोगों की जो कोशिश रही, जो आप लोगों ने आज 10 सालों में
कमेटी से लेकर शहर के हर कॉर्पोरेटर हजरात ने, तमाम एक एक कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने, राष्ट्रवादी के जो हमारी बहने हैं पदाधिकारी, इन लोगों ने बहुत कोशिश की, मेहनत की। और इसीलिए दादा 8 दिन तक किसी ने मेरे बराबर की मिठाइयां बांटी, किसी ने अपन लोग को साइकिलें दी, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने होने के लिए झंडे आने को गुस्सा दिया, किसी ने अनाज की खीर दी। मैं ऐसे तमाम चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हकीकत मैंने तो दादा यहां जब आपके साथ सरकार में था 10 साल, जैन पाटिल जी और गिरवाल साहब सभी साथ में थे, उस वक्त तो ये जब गिरने में पानी की स्कीम आप बता रहे थे, मैं जब नगर अध्यक्ष था उस वक्त तो युवती सरकार में मुंडे साहब और हमारे डॉक्टर दौलत राय, इन्होंने मंजूर करवा दी थी। उसके बाद में अपनी सरकार 99 की बनी, पैसे में आप लोग ने, विलास राव जी ने पैसे की कमी पड़ने नहीं दिया। अब वो पानी की स्कीम गिरना डैम की 7 सालों में पूरी हो गई और लोगों को भरपूर पानी मिलने लगा, नहीं तो 7 दिन 6 दिन 8 दिन के बाद पानी आया करता था। मैंने तो देखा कि बाजी में धुलिया है, रविदास पाटिल कंटिन्यू मंत्री है, लेकिन वहां भी आज ठीक है, वो तो ग्रामीण कह रहे कि शहर में अभी भी 4 दिन पानी, 4 दिन के बाद पानी आता है, मनमाड़ में 1 महीने 2 दिन के बाद पानी आता है। हमारे शहर के हमारे चाहने वाले और खासतौर से हमारी बात है, अब उसको नदी में या दूर दराज नहीं जाना पड़ता पानी लाने, घर घर नल है, घर घर पानी। अल्लाह के करम से हम रोजाना पानी दे सकते हैं, लेकिन जानबूझ के हम एक किनार देते हैं ताकि पानी की बचत भी हो। तो बहरहाल अगर वो पानी नहीं आता तो ये शहर से हम उर्दू में बोलते हैं कि शहर बदल हो जाते हैं, सलामता हो जाते हैं, जाना पड़ता है यहां से रोजगार के लिए दूसरी तरफ रहने के लिए। लेकिन ये पानी आ जाने से शहर में बहुत बड़ा फायदा मिला। इसी तरीके से बाकी काम तो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष साहब ने मेरे साथ मिला दिए, लेकिन सही मानों में मैं 10 सालों के अंदर जो यहां काम कर सका, जो डेवलप कर सका, बाकी आसिफ भाई 5 साल आमदार थे उनके जरिए मालिक में बहुत सारा डेवलप हो गया। वही हमारे हाथों में 3-4 डे महापुर मिला मालेगांव कारपोरेशन का, शहर के अंदर हमने आगे रोड, कुसुम्बा रोड और शहर के अंदर अभी आपने जो 10 करोड़, भुजबल साहब ने 5 करोड़, ये जो पैसा दिया, सब सीमेंट रोड का काम चल रहा है मालेगांव में। और ये सब काम जो 50 साल 60 साल पहले हुआ करते थे, लेकिन अब ये शहर के अंदर करीब करीब आपने जो फंड दिया कुछ बना और आखिर में आपने जो मंजूर किया था उसके ऊपर इन्होंने रोक दिया, उसकी भी कोशिश जारी है, वो मिल जाएगा तो बाकी की भी सीमेंट रोड बन जाएगी। बहरहाल क्योंकि मेरे बाद हमारे नेते अजीत दादा को बोलना है, हम तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, आगे अभी 3-4 महीने में कॉर्पोरेशन है, विधानसभा भी 2 साल में है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जैन पाटिल साहब ने बोला, विधानसभा भी और अभी कॉर्पोरेशन भी आप फुल मेजोरिटी देंगे। आप लोग से मेरी गुजारिश, आप क्या चाहते, शहर डेवलप करना चाहते तो उठाओ मेरा, कितनी सीट लगेगी, 50 लगेगी, जिनको आपके तरफ से गवाही।
सीट आ गई तो मैं मुंह पे गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना? पक्का? ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों ने बहुत 7 बजे से, कोई लोग 6 बजे से यहां तशरीफ लाए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी जो चाहत है दादा मालेगांव में, आज तक बहुत लीडर हुए, बहुत एमएलए हुए, इतनी चाहत हमको मुस्लिम भाइयों ने कभी नहीं। आप तो ये खाली ये मुस्लिम भाइयों का ग्राउंड देकर भाई भी नहीं। मेरे चाहने वाले जब मैं धोरण डेम अंदर हुआ तो ये उधर के लोगों ने 25 से 30 हजार वोट वन साइड देते थे, उसके अंदर सब पार्टी के लोग वोट देते थे, यहां तक यहां तक के आरएसएस के लोग वोट। इस तरीके का महीने इस शहर के अंदर एकता बनाई हुई है, इतना बना के रखा है, और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट को परेशानी नहीं होती दंगल की, है ना देवा? अभी परेशानी नहीं होती दंगल करने वाले कराने वाले सब अल्लाह को प्यार है, और जो है कोशिश करते लेकिन नाकाम हो जाते। अल्लाह आप जवानों को समझ देवे, किसी ऐसी जातिवादी शक्तियों के बहकावे में कोई जुलूस वगैरह के अंदर कहीं भी जाना, नारे लगाना, बहुत सोच समझ के भेजते लेना ना। 2012 अरे नवंबर में देखे ना, आज विचार आया बोलो। तो इसलिए आगे नौबत का है, जरूर मजहबी लोग हैं, जज्बात हमको रहते हैं, लेकिन मालेगांव में हमेशा मजहबी शासक करके लड़ाई किया जाता है। अब मैं घर पे रहता हूं, तुम बाकी की जेल में रहते, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।